वेलकम टू एंटरटेनमेंट फ्राई। दोस्तों, आज का विषय है दादा साहब फाल्के और भारतीय सिनेमा। सत्यजीत रे ने कभी कहा था कि सिनेमा 20वीं सदी का एक अद्भुत आश्चर्य है। पर्दे पर चलती हुई तस्वीरों की आविष्कार ने कहानी को एक नया आयाम दिया। जब लुमियर बंधुओं ने 1895 में पेरिस में एक अंधेरे हॉल में ये तस्वीरें प्रेक्षित की तो दर्शकों में उत्साह था। उन्होंने ऐसा कुछ पहले नहीं देखा था। अगले साल ये शांत दृश्य वाटसन होटल में बॉम्बे में प्रदर्शित हुए और दर्शकों में हैरानी की भावना थी। कुछ सालों बाद धुंडीराज गोविंद फाल्के, एक प्रशिक्षित फोटोग्राफर और जादूगर, इस नवीनतम आविष्कार का दीवाना हुआ और सिल्वर स्क्रीन पर भारतीय कहानियों को सुनाने का सपना देखा। जी हां, मिलेनियल्स और जेन जेड कई बार कई कौशल और योग्यताओं वाले किसी व्यक्ति के लिए शब्द मल्टी हाइफनेट का उपयोग करते हैं, विशेष रूप से एक ऐसे प्रमुख व्यक्तित्व के लिए जो कई कौशलों में प्रवीण है। भारत और विदेशों में कई प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हैं, लेकिन एक कलाकार जिसका नाम मनोरंजन से जुड़ा है और जो मन में आता है, वह है दादा साहब फाल्के का। दादा साहब फाल्के वो हैं जिन्होंने भारत को मनोरंजन का अर्थ सिखाया। 1913 में फाल्के ने अपनी सोच से भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई, लेकिन इसे बनाने में फाल्के ने बिना सोए कई रातें गुजारी और अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। गुलाम भारत में फाल्के ने पर्दे पर चलते लोग दिखाकर हर किसी को हैरान कर दिया। ये फिल्म बनाकर दादा साहेब फाल्के ने एक इतिहास रचा। लेकिन एक पुजारी के घर जन्मे साधारण लेकिन जुनूनी लड़के ने आखिर ये फिल्म कैसे बनाई, आइए जानते हैं। भारतीय सिनेमा के जनक के नाम से उन्हें जाना जाता था। फाल्के ने एक रोचक जीवन जिया था जिसमें संघर्ष, असफलता और अभूतपूर्व सफलताएं भी थीं। 1870 में नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबक शहर में धुंडीराज गोविंद फाल्के के रूप में जन्मे फाल्के एक ब्राह्मण मराठी परिवार से थे। उनके पिता एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे और उनकी मां एक गृहिणी थी। पेशेवर रूप से उनके पिता एक पुरोहित थे और साथ ही वे एक 9 लोगों के परिवार के हिस्से थे, जिनमें 3 बेटे और 4 बेटियां शामिल थी। ब्रिटिश भारत में जन्मे होने के बावजूद फाल्के का परिवार पर्याप्त धनी था। दादा साहब ने अपनी मैट्रिकुलेशन पूरी की और सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट में प्रवेश प्राप्त किया। फाल्के सिर्फ 15 साल के थे जब उन्होंने मुंबई के सबसे पुराने कला संस्थान में प्रवेश लिया और 1 वर्ष का ड्राइंग कोर्स पूरा किया और अगले साल अपनी समुदाय से एक लड़की से शादी कर ली। दुर्भाग्यवश बहुत जल्द उन्होंने अपनी बीवी और बच्चे को प्लेग की बीमारी में खो दिया। फाल्के ने 1 साल के ड्राइंग प्रशिक्षण के अलावा बाद में कला भवन में ऑयल पेंटिंग और वाटर पेंटिंग का प्रशिक्षण भी लिया। यहीं उन्हें वास्तुकला और फोटोग्राफी के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। उस समय के आसपास फाल्के ने एक कैमरा प्राप्त किया और इसलिए उनकी फोटोग्राफी और प्रिंटिंग का साथ हुआ और अभ्यास उन्होंने शुरू किया। लगभग 1890 के बीच फाल्के ने अपना छोटा सा पेशेवर फोटोग्राफर के रूप में कार्य शुरू किया। पोर्ट्रेट्स क्लिक किए और एल्बम बनाए, लेकिन व्यापार कुछ चला नहीं।
पिछड़े भारत में मशीनों का ऐसा डर था कि लोग तस्वीर खिंचवाने से भी डरते थे। लोगों में यह एक भ्रम था कि कैमरा शरीर की एनर्जी को खींच लेता है, जिससे मौत हो जाती है। इसका नतीजा फाल्के का काम बंद हो गया और वह गोधरा में काम करते थे। वह गोधरा से फिर बड़ौदा चले गए। वहां कहा जाता है कि वे कार्ल हर्ट्ज नामक एक जर्मन जादूगर से मिले, जिनसे उन्होंने कुछ जादू सीखी जो कुछ बेहतरीन फोटोग्राफी के तकनीकों को भी शामिल करती थी। वह जादू सभी कौशल जिन्हें फाल्के ने अपनी फिल्मों में अंत में उपयोग किया। 1900 के दशक की शुरुआत में फाल्के ने फिर से विवाह किया, इस बार एक महिला से जिसका नाम गिरिजा अर्थात सरस्वती था। सरस्वती और फाल्के का एक लंबा पारिवारिक साथ हुआ, जहां उनकी पत्नी ने उनके साथ प्रोफेशनल रूप से सहयोग भी किया। बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन फाल्के ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ एक ड्राफ्ट्समैन के रूप में भी काम किया, लेकिन काम में संतुष्टि नहीं हुई और उसे छोड़ने के लिए वो मजबूर हुए और उन्होंने लोनावला में एक प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। यह प्रिंटिंग प्रेस लक्ष्मी आर्ट प्रिंटिंग वर्क्स मशहूर पेंटर राजा रवि वर्मा के साथ बिजनेस कोलैबोरेशन में भी कार्य करती थी। 1911 में कुछ मतभेद हुए और इसके कारण उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को छोड़ दिया। तब तक उनकी मशीन वाली चित्रों के साथ कोई ताल्लुकात नहीं हुए थे। अमेजिंग एनिमल्स और फ्रेंच निर्देशक आलिस गी ब्लासे की लाइफ ऑफ क्राइस्ट नामक फिल्मों ने फाल्के पर बहुत गहरा प्रभाव डाला, जिनके कारण उन्होंने यह कल्पना करना शुरू किया कि कैसा होगा यदि ऐसे ही भारतीय देवताओं को पर्दे पर लाया जाए और उन्हें मानव रूप में दिखाया जाए। एक घटना है, 14 अप्रैल 1911 फाल्के अपने बेटे भालचंद्र के साथ अमेरिका इंडिया पिक्चर पैलेस में मूक फिल्म अमेजिंग एनिमल देखने पहुंचे थे। बेटे ने घर आकर पर्दे पर चलते दिख रहे लोगों का जिक्र किया तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ। यकीन दिलाने के लिए फाल्के परिवार को अगले दिन फिल्म दिखाने ले गए। 15 अप्रैल 1911 को फाल्के की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। यह ईस्टर का दिन था तो पैलेस में द लाइफ ऑफ क्राइस्ट लगी थी। स्क्रीन पर जीसस को देखकर फाल्के भगवान कृष्ण और राम को इमेजिन कर रहे थे और यहीं से इनके मन में भगवानों पर मूवी पिक्चर बनाने का विचार आया। यह विचार एक साथ सरल और क्रांतिकारी दोनों था, इसलिए फाल्के ने अपनी पहली पूर्ण लंबाई की फीचर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। पूरी तरह से घरेलू भारतीय फिल्म और आरंभिक प्रयोग करने के बाद वे लंदन गए और वहां पर 2 महीने रहकर सिनेमा की तकनीक समझी और फिल्म निर्माण का सामान लेकर भारत लौटे। लंदन में उनकी मुलाकात जाने माने निर्माता और बाइस्कोप पत्रिका के संपादक सेसिल हेपवर्थ से हुई। कहा जाता है कि फाल्के को फिल्म सामग्री खरीदने में इन्होंने ही मार्गदर्शन दिया था। उसके बाद 1912 में ही दादर मुंबई में फाल्के फिल्म नाम से अपनी फिल्म कंपनी उन्होंने आरंभ की और लगभग 8 महीनों तक मेहनत करने के बाद देश को राजा हरिश्चंद्र के रूप में पहला साइलेंट मूवी पिक्चर मिला। लेकिन फिल्म बनाने के लिए पैसों की जरूरत थी और मदद ज्यादा मिली नहीं। चंद लोग राजी हुए तो फाल्के ने अपनी पत्नी के गहने और पूरी संपत्ति गिरवी रख दी। अखबार में इश्तेहार दिया तो चंद आर्टिस्ट इकट्ठा हुए, लेकिन हीरोइन नहीं मिल रही थी। कोई भी महिला फिल्म में काम करने के लिए राजी नहीं थी। फाल्के रेड लाइट एरिया भी पहुंच गए, लेकिन वेश्याओं ने भी इनकार कर दिया। इसके बाद चाय पीने वो ढाबे पहुंचे तो बावर्ची अन्ना सालुंके पर उनकी नजर पड़ी।
देखने में नाजुक अन्ना को फाल्के ने हीरोइन तारामती बनाने की ठान ली। अन्ना को ढाबे में 10 रुपये मिलते थे, फाल्के ने 15 रुपये देकर उन्हें राजी कर लिया। फाल्के ने घर को स्टूडियो बना लिया, लोगों को ट्रेनिंग दी और जरूरत पड़ी तो खुद साड़ी पहनकर लड़कियों की नकल उतारी। फाल्के ने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने चारों ओर के लोगों को अपनी कंपनी में विभिन्न कामों के लिए सफलतापूर्वक मना लिया। 6 महीने की कड़ी मेहनत और 15,000 रुपये में यह फिल्म बनी। राजा हरिश्चंद्र केवल पहली फिल्म होने के साथ साथ पहली कॉमर्शियल रूप से सफल फिल्म भी थी, जिसने पूरे उद्योग के लिए मार्ग निर्मित किया। राजा हरिश्चंद्र के लिए अभिनेता खोजने के लिए फाल्के ने विज्ञापन जारी किए, जिसमें कहा गया था कि सुंदर अभिनेता आवश्यक हैं। हालांकि राजा हरिश्चंद्र के कई प्रारंभिक और पूरी तरह से योग्य अभिनेताओं से आवेदन मिलने के बाद उन्होंने विज्ञापन में एक और लाइन जोड़ दी जो कहती थी, बदसूरत चेहरे आवेदन न करें। हरिश्चंद्र फिल्म के निर्माता, निर्देशक, लेखक, कैमरामैन आदि सारी चीजें खुद दादा साहब ही थे। उन्होंने स्वयं इस फिल्म के नायक हरिश्चंद्र का और रोहितास की भूमिका उनके 7 वर्षीय पुत्र भालचंद्र ने निभाई थी। उनकी पत्नी सरस्वती ने कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग और खाना पकाने में मदद की। इस फिल्म को 3 मई 1913 को मुंबई में गिरगांव के कोरोनेशन सिनेमा में दिखाया गया। टिकट रखी गई 4 आने और बच्चे महिलाओं के लिए हाफ टिकट। चंद लोग फिल्म देखने पहुंचे तो पहले दिन सिर्फ 3 रुपये की कमाई हुई। फाल्के ने अखबार में लोगों को फिल्म की बजाय एक साथ 57,000 तस्वीरें देखने के लिए न्योता दिया। यह एडवर्टाइज करने का एक अलग तरीका था और उनकी कमाई बढ़कर 300 रुपये हो गई। ऐतिहासिक योगदान के लिए 1969 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में सबसे प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के अवार्ड की शुरुआत की, हालांकि खुद उन्हें आज तक कोई अवार्ड नहीं मिला था। राजा हरिश्चंद्र एक सफलता थी जिससे फाल्के की कंपनी को धन आया और उसे सिनेमा के लिए अपनी प्रेम को, अपने पैशन को आगे बढ़ाने का साहस मिला। इस प्रकार भारतीय सिनेमा की आधारशिला 1913 में रखी गई। 3 दशक पहले जब भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाया था, उपनिवेशीकरण के तहत एक फिल्म बनाना, इसे सफल बनाना, उस पर जमीन से स्क्रैच से शुरू करके काम करना और अपने साथियों को नई कला का प्रायोगिकता अपनाना एक व्यक्ति के लिए एक अद्वितीय विजय है, जिससे इसके पास सीमित टेक्नोलॉजी है। नारायण तांबट नीलकंठ फाल्के के बेटे के सहपाठी थे और उनकी फिल्म कंपनी में सहायक भंडारपाल के रूप में शामिल हुए। उन्हें याद है, वो कहते हैं, फाल्के की कंपनी में सभी समान थे, वहां कोई वर्ग अंतर नहीं था। हालांकि फाल्के क्रोधी थे लेकिन वे दूरदर्शी भी थे। वह फिल्म उद्योग को एक नोबल और प्रगतिशील व्यवसाय बनाने के लिए उत्साही थे और लाभ या हानि की परवाह नहीं करते थे। उन्होंने अपने कैरियर के दौरान 27 छोटी फिल्में और करीब 90 फुल फीचर फिल्म बनाई। उनके कुछ अन्य प्रसिद्ध काम लंका दहन, श्री कृष्ण जन्म और सत्यवान सावित्री आदि हैं। उनके फिल्म निर्माण की खास बात यह है कि उन्होंने अपनी फिल्में मुंबई के बजाय नासिक में बनाई। वर्ष 1913 में उनकी फिल्म भस्मासुर मोहिनी में पहली बार महिलाओं यानी दुर्गा गोखले और कमलाबाई गोखले को महिला किरदार मिला। इसके पहले पुरुष ने ही महिला किरदार निभाया था। 1917 तक वे 23 फिल्में बना चुके थे। उनकी इस सफलता से कुछ व्यवसायी इस उद्योग की ओर आकृष्ट हुए और दादा साहब की साझेदारी में हिंदुस्तान सिनेमा कंपनी की स्थापना हुई।
दादा साहब ने कुल 125 फिल्मों का निर्माण किया, जिसमें से 3/4 उन्हीं की लिखी और निर्देशित थी। दादा साहब की अंतिम मूक फिल्म सेतु बंधन 1932 में बनी थी, जिसे बाद में डब करके आवाज़ दी गई। उस समय डब करना भी एक शुरुआती प्रयोग था। दादा साहब ने जो एकमात्र बोलती फिल्म बनाई उसका नाम गंगा अवतरण था। कोल्हापुर के महाराज ने जब सीने टोन प्रोडक्शन कंपनी खोली तो फाल्के को बुलाया। 450 रुपये मासिक वेतन पर फाल्के ने फिल्म गंगावतरण बनाई और फिर हमेशा के लिए फिल्में बनाना हमेशा के लिए छोड़ दिया। सन 1938 में भारतीय सिनेमा ने रजत जयंती पूरी की। इस अवसर पर चंदूलाल साह और सत्यमूर्ति की अध्यक्षता में समारोह आयोजित हुआ। दादा साहब फाल्के को बुलाया गया। समारोह में उपस्थित प्रभात फिल्म्स के शांताराम ने फाल्के की आर्थिक सहायता की पहल करते हुए वहां आए निर्माताओं, निर्देशकों, वितरकों से धनराशि जमा कर फाल्के को भेज दिया। इस राशि से नासिक में फाल्के के लिए घर बना। उनके जीवन के अंतिम दिन यहीं बीते। 16 फरवरी 1944 में भारत को पहली फिल्म देने वाले फाल्के दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी मृत्यु के 2 दशक बाद 1969 में भारत सरकार ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा की, जो कला और सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। यह अवार्ड नेशनल फिल्म अवार्ड के साथ दिया जाता है, जो डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल के तत्वाधान में होता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर है। देविका रानी इसकी पहली विजेता थी इस अवार्ड की। कुछ अन्य नाम जो शामिल हैं वो हैं पृथ्वीराज कपूर, कानन देवी, सोहराब मोदी, नौशाद, दुर्गा खोटे, सत्यजीत राय, वी शांताराम, राज कपूर, अशोक कुमार, लता मंगेशकर, दिलीप कुमार, भूपेन हजारिका, राजकुमार, बी आर चोपड़ा, हृषिकेश मुखर्जी, आशा भोसले, यश चोपड़ा, देव आनंद, श्याम बेनेगल, मन्ना डे, सौमित्र चटर्जी, प्राण गुलजार, शशि कपूर, मनोज कुमार, विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, आशा पारेख, रेखा इत्यादि। दादा साहब के नाम से पोस्टेज स्टैम्प भी निकाला गया 1971 में, और आजकल और कई अवार्ड्स भी टेलीविजन के अवार्ड्स उनके नाम से दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइज करती हैं, जिसमें फिल्म मेकिंग, डायरेक्शन, म्यूजिक आदि सभी फील्ड्स में अवार्ड दिए जाते हैं। दादा साहब फिल्म फेस्टिवल 2016 से मनाया जा रहा है। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। दादा साहब की याद में एक मेमोरियल भी बनाया गया है, जो पांडव केव्स के नज़दीक नासिक के आउटस्कर्ट्स में है। तो यह थी कहानी हमारे दादा साहब फाल्के की। इसमें एक बात यह आती है कि जब दादा साहब फाल्के ने फिल्म बनाई थी और रिलीज किया था, उसके 1 साल पहले एक और फिल्म, एक व्यक्ति हैं दादा साहब तौरने, उन्होंने बनाई थी, लेकिन उसको पहली फिल्म नहीं कहा जाता है भारत में, क्योंकि उसकी ज़्यादातर प्रोसेसिंग फिल्म की विदेशों में हुई थी। दोस्तों, आज से 20-25 साल पहले, जब ये सब सारी चीज़ें उतने प्रचलित नहीं हुई थी, इंटरनेट, स्मार्टफोन इत्यादि, तब ये सिल्वर स्क्रीन की फिल्में, सिनेमा ही समझिए कि मनोरंजन का मुख्य क्षेत्र था,
और इसी से मनोरंजन आगे बढ़ता था। आज भी फिल्में मनोरंजन का प्रमुख हिस्सा है और इस मनोरंजन को भारत में पहली बार दिखाने वाले बनाने वाले दादा साहब फाल्के थे, जिन्होंने भारत को मनोरंजन का एक आयाम दिया। और आने वाले शायद हजार सालों बाद भी जब फिल्म की बात होगी, इस मनोरंजन की बात होगी, तो दादा साहब फाल्के का नाम लिया जाएगा। धन्यवाद। यदि आपने पसंद किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। थैंक यू।